अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अम्माद फ्रॉम ए बर्ड्स इन्फॉर्मेशन। सो आज की वीडियो लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड के ऊपर थी। लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर फॉस्टर पेयर के ऊपर वीडियो बनाए, कि फॉस्टर जो है वो पेयर किस तरह के तैयार होते हैं और फॉस्टिंग करने का तरीका बेसिकली क्या होता है, जो बिल्कुल बिल्कुल समझ लेंगे 100%, जिसमें फॉस्टर भी हों और बच्चे भी निकले और आप समझ लेंगे सारे अंडे हैच भी हों और टाइमिंग भी बिल्कुल सेम हो। बेसिकली लोग करते क्या हैं, जिनको फॉस्टर पेयर का नहीं पता होता वो ये करते हैं कि फॉस्टर पेयर के जो अंडे होते हैं उसकी टाइमिंग वगैरह नहीं लिखते, डेट वगैरह, और उनके सारे अंडे निकाल के रिमूव कर देते हैं और किसी अच्छे पेयर के जो अंडे हैं वो उसके नीचे रख देते हैं, मगर उनको टाइमिंग मेंटेन करने नहीं आती, टाइमिंग क्या सीन होता है क्या मतलब डेट वगैरह का। तो आज मैं पूरी डिटेल बताऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि देखें बेसिकली ये पेयर आपको दिख रहा है अल्बानो रेड आई टू ब्लैक आई का है और ब्लैक आई जो है उसकी रेड आई है। अब ये पेयर जो कॉस्ट करता है तकरीबन 25,000, इस टाइम पर इसकी जो है वो पैसे हैं, इसकी जो प्राइस हैं वो इतने तकरीबन चल रहे हैं मार्केट के हिसाब से। अब ये 25 का एक पेयर आप अगर लेते हैं और फॉस्टर करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं, मतलब कि बिल्कुल लोअर पेयर के साथ, मतलब 2-3-4-5 हज़ार वाले पेयर के साथ इस पेयर के अंडे जो है वो फॉस्टर करके। अब वो पूरा प्रोसेस क्या है वो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, पूरा मैं करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि आज मैं करने लगा था ये चीज़ और मुझे याद आ गया था लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, तो ये मैं आपको पूरा करके भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और जब इंशाल्लाह ब्रीड आती है इंशाल्लाह इसकी, तो फिर वो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ब्रीड आई है, बच्चे सर्वाइव हुए हैं नहीं हुए, तो वो भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। मैं तो करते रहता हूँ, आपको पता है पहले ही बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, मगर प्रॉपर एक जगह मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई थी जिसमें मैं टाइमिंग भी आपको बताऊँ। तो जैसा कि ये पेयर देखें 25,000-30,000 रुपये मालियत का है, अगर किसी के पास एवरेज नहीं है, पैसे इतने नहीं है, तो वो एक पेयर ये बाय कर सकता है आइडियल अमाउंट के अंदर, और उसके बाद जो है वो किसी नॉर्मल छोटे पेयर के 3-4 पेयर के अंदर फॉस्टर कर सकता है इनके अंडे। उससे ये होता है कि ये पेयर एक होगा मगर 3 जो जोड़े हैं फॉस्टर वो आपके एक ही पेयर के बच्चे पाल लेंगे, तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी अल्बाइनो रेड आई की। अब ये पेयर मेरे पास अल्बाइनो रेड आई बच्चे लाजमी है, क्योंकि आप देख लें दोनों ही बिल्कुल आपको रेड आई लग रहे होंगे एक तरीके से, क्योंकि कंफर्म स्पीड रेड आई है मेरे पास, रेड आई बच्चे दे चुका है, इसका मेल फीमेल जो है विजुअल रेड आई है। अब मैं दिखाता हूँ आपको दूसरा पेयर जिसके अंदर हमें फॉस्टर करने, तो खैर यहाँ से अंडे पहले उठा लेते हैं और यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से काम होता है ये। तो ये देखें ये जो है ये इसने 3 अंडे जो है वो ले किए हैं और 1-2 अंडे फ़िलहाल और ले करेगी, मगर उसमें 1-2 दिन लगेंगे। खैर देखें सबसे पहले आपको एक चिट लगानी है, चिट के ऊपर आप देख सकते हैं 14 सितंबर 2022 को पहला अंडा दिया था इसने, वो चीज़ मैंने ऊपर नोट की हुई है। और ये एग के ऊपर जो है मैं एग आपको दिखा दूँ, एग के ऊपर जो है वो तारीखें लिखी हुई होती हैं सबकी। अब इसी तरीके जैसे इस पर 1 तारीख है, इसी तरीके से दूसरा अंडे जब दिया उस पर 2री या 3री तारीख होगी, फिर 4थी होगी, इस तरीके से मैं लिखता हूँ, मतलब तारीख नहीं लिखी हुई, ये सिर्फ एग लिखे हैं मैं, कौन सा एग पहली तारीख को आया, कौन सा दूसरी का, और तारीख जो है फर्स्ट एग की वो ये लिखी हुई ऊपर। इससे पता रहता है आपको कौन सा अंडा कब आया और किसको किस पेयर के नीचे जो है आपको फॉस्टर करना है। तो खैर ये 3 एग हैं, मैं इसको तरीके से रख दूँ ताकि टूट न जाए अकेले की, तो ये होता है कि मैं अकेले वीडियो बनाता हूँ तो बहुत मुश्किल होती है वीडियो बनाने में। खैर सबसे पहले आपको देखें करना ये, आपको एक खाली बर्तन लेना है इस तरीके का, जिसके अंदर आप बाजरा जो है वो बर्ड्स का बचाव वो डाल सकते हैं। इसमें ये होता है कि अंडे ख़राब ना हो, टूटते नहीं, इसमें कहीं और ट्रांसफ़र करते हुए। अब देखें ये आपको यहाँ रखना है और इसके एग जो हैं वो आपको सारे निकाल लेने, एग आपने निकाल लिए, अब एग जो हैं वो सारे आपको यहाँ रखने, ये हमने एग रख दिए हैं इसके जो इस पेयर के एग हैं। अब इसको इसको अभी हमने खाली रखा हुआ है, यूँ खाली रखा हुआ है, इसके अंदर वापसी एग आएंगे जो कि ख़राब एग होंगे, फालतू एग होंगे, वो इसके नीचे आ जाएंगे। तो अब देखें अब दूसरे पेयर की तरफ चलते हैं, दूसरा पेयर जो है मेरे पास वो ये है लुटिनो की, दोनों फीमेल्स हैं, ये पेयर नहीं है, दोनों फीमेल्स हैं माशाल्लाह, और दोनों की दोनों जो हैं वो बच्चे पाल लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि पहले भी फॉस्टर में इनके नीचे कर चुका हूँ, मगर पहले मेल फीमेल के साथ फॉस्टर किया था, मगर पिछली बार जब एक्सपायर हुए थे बस, तो इनके मेल दोनों एक्सपायर हो चुके थे, तो ये दोनों फीमेल हैं, मगर इनको जो एक्सपीरियंस है दूसरे कलर के बच्चे पालने का दोनों फीमेल्स को हुए, तो ये इंशाल्लाह मसला नहीं करेंगी। अब ये दो फीमेल मैंने बाहर निकाली है, ये बॉक्स से निकलती नहीं है ये, खैर बड़ी मुश्किल से निकाल के वीडियो बनाने के चक्कर में। खैर इसके जो हैं वो देखें, ये एग इसने 4 दिए हैं, अब ये 1-2 एग और देगी। अब जैसे कि वो अल्बाइनो का जोड़ा था वो भी 1-2 एग जो है वो बाद में देगा, ये भी 1-2 एग जो है बाद में देगी। अब ये जो अंडे हैं ये क्योंकि दोनों की दोनों फीमेल्स हैं, तो ये अंडे जो हैं इसके बेकार हैं, मतलब ये फर्टाइल नहीं होंगे, ये किसी काम के नहीं है। अगर तो इसकी जगह आपके पास ये जोड़े की जगह मेल फीमेल हो, तो उसके अंडे आपको टाइमिंग ये भी देखनी है कि अंडे फर्टाइल ना हो, अगर फर्टाइल होगा फिर आप उसको फेंकेंगे, रिमूव करेंगे, तो वो एक तरीके से गुनाह वाला काम है, क्योंकि उसके अंदर बेबी जो है बनना स्टार्ट हो चुका है। ये अंडे बिल्कुल फालतू हैं, ये आप कभी भी रिमूव कर सकते हो, क्योंकि दोनों फीमेल है, फर्टाइल एग है ही नहीं है। अब ये देखें इसके ऊपर भी देखें तारीख मेंटेन करना दोनों का ज़रूरी, जैसे इस पर अभी देखें तारीख लिखी हुई है, ये 14 तारीख को लिखा हुआ है माशाल्लाह, और ये जो है इसके ऊपर चिट हट गई है, चिट में दिखाया था, तो इसकी इसने जो एग देना स्टार्ट किए थे वो भी उसी तारीख को दिए थे जब अल्बाइनो रेड आई ने दिए थे, क्योंकि दोनों के बॉक्स साथ लगे थे।
अब ये एग जो है वो फारिग हैं, तो ये एग हम उठाएंगे और ये आप बोलेंगे, अभी आप कह रहे थे कि बर्तन में लेके जाएं, क्योंकि ये फालतू एग हैं, ख़राब एग हैं, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चे निकलने हैं, तो ये मैं हाथ में ले गया हूँ। वैसे जो मैंने आपको बताया तरीका, किसी पॉट के अंदर बर्स के उसके अंदर ही आप एग रख के निकालें, ताकि एग जो है वो क्रैक ना हो और ख़राब ना हो, हवा ज़्यादा ना लगे। अब ये एग जो है, इसके हमने तीन निकाले थे, तो हम ये एक हटा लेंगे, एग ये एग जो है हमने इधर हटा लिया। उसके अलावा हमने तीन एग निकाले, तो तीन ही हम यहाँ लिखेंगे, तीनों के ऊपर तारीख लिखी हुई है। अब आपको देखें पता कैसे चलेगा इसने न्यू एग दिया, इन तीनों पे तारीख लिखी हुई है, नंबर वाइज नंबर लिखे हुए। अब जो न्यू एग देगी उसके ऊपर जाहिर सी बात है पैदाइशी नंबर तो लिखा हुआ होगा नहीं, तो जब वो आएगा उसके ऊपर आप लिख देंगे अल्बाइनो रेड आई, उससे पता चल जाएगा कि अल्बाइनो रेड आई का अंडा है ये। उसको आप उठाएंगे अंडे को, इस तीन एग के साथ जो हमने फॉस्टर वहाँ करें उसके अंदर आप डाल देंगे। ये एग जो है ये फालतू है, ये फालतू एग सारे यहाँ रखे हुए, तो ये हम इसको रिमूव कर देंगे। फालतू एग जो है वो भी मैं तीन चार रखता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, के कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है। इसके तीन एग हो चुके हैं, ये देखें तीन एग इसने हमने इसके नीचे रख दिए। जैसे इसके तीन एग निकाले थे, तीन एग वापस इसके रख दिए। अब ये और एग देगी, ये समझेगी मेरे एग हैं, ये इस पर बैठेगी भी और इसके अंदर और एग देगी। जब और एग देगी दो, तो हम वो उठाएंगे और उसके अंदर फॉस्टर कर देंगे उस पैर के नीचे, और इसको हम बॉक्स निकाल के खाली कर देंगे कुछ दिन के लिए, पाँच छः दिन के लिए। पाँच छः दिन बाद दोबारा हम बॉक्स लगाएंगे, फिर दोबारा ब्रीड करेगी इसी तरीके, किसी और पैर के अंदर हम फॉस्टर करना चाहें फॉस्टर करेंगे, वरना इसी के नीचे पलवाएंगे। पहला क्लच बेसिकली फॉस्टर हमने कर दिया, अब इस पेयर का काम हो गया ख़त्म। इसको हम जो है बॉक्स कर देते हैं बंद। अब ये पेयर समझेगा मेरे अंडे अंदर रखे में, और जो है ये मेरे ही अंडे हैं, और ये अब दोबारा अंडे देगा तो फिर वो एक एक अंडे जो होंगे, जैसे कि अब एक दो दिन बाद एक अंडा देगा तो उसको उठा के हम वापसी फॉस्टर दूसरी जगह कर देंगे जहाँ इसके बाकी अंडे रखें। फिर एक दो दिन बाद तीसरे पाँचवें अंडा देगा तो वो भी हम फॉस्टर कर देंगे। ये फीमेल जो है पाँच से छः अंडे देती है मेरे पास। अब आ जाते हैं इस चीज़ पर। अब ये जो पेयर है मेरे पास लोटिनो का, तो ये दोनों फीमेल्स हैं, इसके अंडे हमने फॉस्टर कर दिए वहाँ, इनको नहीं पता कि हमने क्या करा इनके साथ। खैर अब ये अंडे जो हमने तरीके से हम जो लेकर आए थे तीन एग, जो कि तकरीबन फर्टाइल भी हैं हल्के बुल के, अब ये तीन एग को हम उठाएंगे तरीके के साथ, और इसमें जल्दबाजी आपको नहीं करनी, बिल्कुल तरीके से आपको उठाना है एग, और जो है हमने इसके अंदर आपको रख देने हैं एग, ये हमने रख दी। अच्छा इस पर आप बोलेंगे कि आपने क्रॉस का निशान लगाया हुआ है, मतलब ये ख़राब है, तो ये ख़राब नहीं है एग, इस पर क्रॉस यूँ लगाया था क्योंकि ये फर्टाइल अपने टाइम पे नहीं हुआ था, मगर ये अब होगा इंशाल्लाह, क्योंकि हल्की फुल्की वेंस जो इसमें बन रही है, मगर ये अपने टाइम मतलब पाँच दिन के अंदर फर्टाइल एग हो जाता है। मैं इतने ही दिन चेक करता हूँ, आखिरी जागरी हद मार के कुछ एग होते हैं जो सातवें दिन में फर्टाइल होते हैं, ये सातवें दिन में फर्टाइल हुआ, मगर पाँचवें दिन में मैंने इस पर क्रॉस यूँ लगाया था कि ताकि फर्टाइल ना हो तो हम इसको रिमूव कर दें, मगर ये फर्टाइल हो जाएगा तो एग पे जो है क्रॉस लगे रहेगा। ये तीसरा अंडा था बेसिकली इसका। अब ये हमने इसके नीचे देखें फॉस्टर कर दिए तीन एग। अब इनको नहीं पता, ये बेचारी इनको नहीं पता किसके एग हैं, ये अंदर जाने के लिए आ गई। अभी इस अंडों को सेकेगी पूरा टाइमिंग के हिसाब से, मतलब समझ लें 21 दिन जो है 21 डेज जो है ये हैच करवाएगी, बच्चों को इंक्यूबेट करेगी अपने नीचे। और ये जो है जोड़ा 4-5 हज़ार रुपये का, और इसकी जगह फिशर का जोड़ा भी ले सकते हैं आप, जो चीज़ ब्लू कसनाटा का जो आपको सस्ता जोड़ा पड़े वो ले सकते हैं। सिर्फ इनको आदत ये डालनी होती है, क्योंकि कुछ बर्ड्स होते हैं कलर ब्लाइंड, जो कि लोटिनो में से ही सारे निकले हैं, वो कलर ब्लाइंड होते हैं, वो आगे जाके ब्रीड नहीं करते, क्योंकि वो ब्रीड करेंगे दूसरे कलर का बच्चे फॉस्टर करेंगे, बच्चे देख के मार देंगे, क्योंकि इनको सिर्फ अपना ही कलर पता है कि हम येलो हैं, हमने जिससे पेयरिंग करी थी वो भी येलो था, तो ये येलो ही बच्चों को पालेंगे, ये वाइट बच्चों को नहीं पालेंगे। तो ये मैंने पेयर छांट छांट के निकालने पड़ते हैं, मैंने 16 पेयर लगाए थे, उसमें से 8 पेयर 9 पेयर मेरे निकले थे पिछले सीज़न में, जो कि एक्सपायर हो चुके हैं सारे, वो 9 पेयर मेरे निकले थे जो कि कलर ब्लाइंड नहीं थे, वो हर कलर के बच्चे पालते थे, ब्लू वाइट मतलब येलो ग्रीन हर कलर के बच्चे मैंने पलना उन्होंने पाले भी। तो ये देखें ये अब ये फॉस्टर हो चुके हैं पेयर जो है अंडे जो हैं, अब ये पूरा इंक्यूबेट करेगी हैच कराएगी बच्चे पालेगी भी, और ये 5000 का जोड़ा समझ लें, तीन एग हैं और दो एग हम बाद में फॉस्टर करेंगे जब वो फीमेल देगी, तो समझ लें कि ये 5000 वाला जोड़ा तकरीबन 30-35 हज़ार रुपये के बच्चे अपने बॉक्स में पाल रहा होगा। अगर तो उसमें रेड आई निकल गया तो फिर अभी मैं ब्लैक आई के पैसे बता रहा हूँ, अगर इसमें दो रेड आई निकलते हैं तकरीबन हर क्लच में, अगर दो रेड आई निकलते हैं तीन ब्लैक आई निकलते हैं तो तकरीबन 50,000 रुपये के जो हैं वो बच्चे ये 5000 वाला जोड़ा पाल रहा होगा ईजिली। तो ये तरीका होता है फॉस्टर करने का। तो ये आज मैंने पूरा तरीके से आपको समझाया, और लोग पूछते हैं मार्कर से लिखें तो कुछ ख़राब तो नहीं होगा, मार्कर मैंने नॉर्मल मार्कर यूज़ करा हुआ है, इसी से आप लिखें कुछ भी ख़राब नहीं होता, बिल्कुल ठीक रहता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। बाकी ये वीडियो थी माशाल्लाह से, अभी वीडियो का एंड करते हैं, ये पेयर जो अंदर जाने लगा था अभी, बाकी अभी वीडियो का एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बाकी लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपकी डिमांड पे बहुत ज़्यादा डिमांड पे वीडियो मैंने बनाई है, क्योंकि
बहुत सारे लोग पूछ रहे थे फौसला करने का असल तरीका बता दें, और मैंने प्रैक्टिकल आपको करके बता दिया। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।